हेलो दोस्त, एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ तथ्य साबित हो गया कि DFCCIL या और कोई एग्जामिनेशन में अगर आपने एक बार बेनिफिट ले लिया EWS OBC SC ST का तो आपके साथ खेला हुआ है। आपको UR से ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी CBT 2 में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ऐसा ऑफिशियल प्रमाण है और कोई हम इधर उधर से बात नहीं करते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ, DFCCIL का मेन ऑर्गेनाइजेशन रेलवे में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने बताया CBT 1 में, तो उसको करेक्ट करके अभी तक करेक्ट रखा गया है। उसमें ये रखा गया है 1/2024 के नोटिफिकेशन में कि अगर कोई कैंडिडेट CBT 1 में किसी भी कम्युनिटी में पास हुआ है, CBT 2 के बाद आगे जाएगा अगर जिसका मेरिट रहेगा उसी का, बशर्ते खाली एज बेनिफिट और वो आपका नहीं लिया है। एज अगर आपने OBC का लिया है या SC ST का लिया है तो आप UR में कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे DFCCI में बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर भटक रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी का मेरे से कम नंबर है और सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल फैक्ट है, एक केवल CBT 1 का देन है कि CBT 1 में आपने ज़्यादा नंबर ला लिया और CBT 2 में आपने फिर ज़्यादा ला लिया और OBC से कम रहा आपका नंबर, तो आपको UR में ही कंसीडर किया जाएगा। यानी आपके CBT 1 में UR में थे तो UR में ही रहेंगे। और भी कैंडिडेटों का था कि अगर आपने OBC में ही क्वालिफाई किया है तो OBC में ही रहेंगे, ऐसा ऐसा पैटर्न है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो समझिए खेला का सार क्या है। तो आप यहाँ पे DFCCIL का रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके अलावा जो नोटिफिकेशन था 1/2023, उसमें देखिए लिखा हुआ था कि अगर कोई भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करेगा CBT 2 के लिए तो ये क्या रहेगा, केवल CBT 1 शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिया जाएगा। यही कंट्राडिक्शन LP टेक्नीशियन में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर कहा गया था इसी में दूसरा पैराग्राफ में अगर देखेंगे कि जो कैंडिडेट अगर बेनिफिट ले चुका है यानी रिजर्व राइट कर इंक्रीज कर लिया वगैरह CBT 1 में, वो अपना बेनिफिट ले लिया है तो उसी में कंटिन्यू करेगा। पैरा नंबर 7 में देखिएगा कि कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेट या CBAT अवेलिंग रिजर्वेशन कम्युनिटी बेनिफिट या एक सर्विस पीडब्ल्यू शैल बी कंसीडर्ड ओनली अगेंस्ट दी कम्युनिटी ऑफ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसेस। यानी CBT 1 में आपने आरक्षण ले लिया तो आपको CBT 2 में उसी आरक्षण के अंदर रिजल्ट दिया जाएगा, चाहे नंबर कितना हो, कम हो या ज़्यादा हो या कुछ भी हो। तो इसका परिणाम कहाँ आया, परिणाम आपको दिखेगा रिजल्ट में। एक बार अगर कोई भी रिजल्ट खोल लीजिए, कई सारे में है, एक एग्जाम्पल मैं दिलाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे OBC के कैंडिडेट का कट ऑफ गया है 78.75 और UR का कट ऑफ गया है 98.25। दोनों में 0.05 का डिफरेंस है और वो कट ऑफ ज़्यादा किसका है, तो वो कट ऑफ OBC का ज़्यादा है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्यों होगा, OBC से तो UR में क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं क्यों हुआ, इसका भी कारण यही है जो नोटिफिकेशन में दिखाए कि नहीं, इसलिए हुआ कि ये जो कैंडिडेट थे, मान लीजिए यहाँ पे 20 गुना जो कैंडिडेट थे उसमें से 10 भी कैंडिडेट अगर 120 में से 110 ला लिए होते और वैकेंसी 10 ही होता तो OBC का कट ऑफ 110 होता, और यहाँ पे UR का अगर मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है और 10 कैंडिडेट का स्कोर 70 होगा तो UR का कट ऑफ 70 ही होगा, चाहे UR में कोई कम्युनिटी का कैंडिडेट हो या ना हो, अंतर नहीं पड़ता। ये 10 में सब मिक्स भी हो सकते हैं, यानी 10 और 70 का डिफरेंस भी हो सकता है इस नोटिस के हिसाब से, जो एक तरीके से टेक्निकली गलत है कि मेरिट नहीं इसको कह सकते। मेरिट आपको पूरी जब जॉब मिलती है तब मेरिट होती है, ना कि CBT 1 में मेरिट बन जाए। यानी CBT 1 में मेरिट लगाना एक टेक्निकली गलत है और ये 20 गुना कैंडिडेट और 10 गुना कैंडिडेट को इक्वल करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। रेलवे ने इसको एक्सेप्ट किया था और बाद में चेंज किया, चेंज करने के बाद कैंडिडेट को
जो कैंडिडेट फाइनल स्टेज पे यानी फाइनल जहां मेरिट बनती है वहां अगर वो किसी कम्युनिटी में शिफ्ट हो रहा है यानी यूआर में जा पा रहा है तो जाता है, बशर्ते एज बेनिफिट नहीं मिले। उसको भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट से देख लीजिएगा, रिजल्ट आपने देखा ही होगा DFCCIL का। तो DFCCIL का रिजल्ट यहाँ पर सारा पोस्टों का 9 के 9 पोस्टों का आ गया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, BD, सिग्नल वगैरह, SNT, आपका सिविल, मैकेनिकल, HR, IT सब का रिजल्ट आ चुका है। तो आज स्टेज 2 का रिजल्ट ख़त्म, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन चलेगा, और ऑपरेशन और BD में जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपका CBAT का प्रोसेस होगा, जिसकी डेट इन्होंने शायद 14 अप्रैल रखा है या 14 मार्च रखा है, वो देख लीजिएगा, 14 मार्च होगा शायद, 14 मार्च को आपको इसका साइको आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये डेट देख लीजिएगा और अपनी अगली प्रोसेस करेंगे। लेकिन यही चीज़ें को अगर हमने देखना है, एक चीज़ और कि रेलवे में क्या हो रहा है, तो एक मिनट इसको हम इंग्लिश में कर लें, RRB कोई भी ले लीजिए, RRB मैं चंडीगढ़ ले लूँ, पटना ले लीजिए, कोई भी RRB ले लीजिए, यहाँ भी नोटिफिकेशन आया है, यहाँ भी उसी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कैंडिडेट केवल एज बेनिफिट लेगा, उसको ही केवल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ वैकेंसी का एकदम देख लेते हैं, एक मिनट, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो 2024 का लेटेस्ट है उसकी को आप बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी मेरे पास था फिर भी मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। और इस नोटिस में देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर देखेगा कि जो कैंडिडेट एज बेनिफिट लिए हैं वो UR में नहीं जाएंगे, ना कि CBT1 में। एक मिनट, डाटा भी स्लो हो रहा है, बहुत धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। तो अगर जो एज बेनिफिट अगर ले लिए हैं वो कैंडिडेट आगे नहीं जाएंगे, और अगर वो एज बेनिफिट लिए हैं तो कैसे जा सकते हैं, यानी मान लीजिए इस बार 3 ईयर का छूट मिला है, 3 ईयर छूट मिलने के बाद UR का 18 से 33 है, और जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एज 34 है तो वो UR में नहीं आ सकता, बिल्कुल सही है ये रूल। लेकिन अगर वो CBT1 में ज़्यादा स्कोर कर दिया या कम कर दिया, कम्युनिटी से सेलेक्ट हो गया, तो वो अगर CBT2 में बहुत ज़्यादा नंबर लाता है तो उसकी मेरिट CBT2 में मेरिट के हिसाब से बननी चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी कोई भी हो या अनरिजर्व में जाए या कम्युनिटी में जाए, वो मेरिट बननी चाहिए। वो मेरिट की बात यहाँ DFCCIL में नहीं हुआ है। एक मिनट, नोटिस खुल नहीं रहा है, एक मिनट मैं अपने कोई डाउनलोड से दिखा देता हूँ, एक मिनट, डाउनलोड में तो पड़ा होगा मेरे पास, वहाँ से मैं नोटिस निकालता हूँ। नेट का भी रहता है, कई बार वेबसाइट स्लो हो जाता है तो और नहीं मिलता है। एक मिनट, सारा डाटा आपको, नोटिस कैसे गया जी, 15 GB स्पेस डाउनलोड। एक मिनट, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड आपका लूँगा, ये रिजल्ट वाला बहुत सारा हो गया इसके कारण से, हो सकता है एक LP 1/18 भी था, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ भी बाद में चेंज किया गया था, और इस बार का एडवर्टाइजमेंट जो है टेक्नीशियन वाला, LP वाला जो आ रहा है उसमें देख लीजिए एक बार, ये डिटेल वाला 1/24 वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये रोज़गार सूचना में मिल जाएगा, CBT1 में आराम से मिल जाएगा आपको, कि जो कैंडिडेट अगर आयु का बेनिफिट लिए हैं उसके लिए पैरा 5-6 सब में दिख जाएगा आपको भर्ती प्रक्रिया आपका। CBT1 जहाँ आएगा वहाँ आपको दिखा देते हैं एक बार, आयु वाला वो आ गया, आयु के बाद आपका आएगा प्रोसेस का, संचय नहीं होगा, आवश्यक योग्यताएं, CBT1 कहाँ गया जी, एक मिनट, EWS वाला है आपका, लंबत इंजरी, OBC NCL। यहाँ पे अगर कर देखेंगे जो कैंडिडेट या एज का बेनिफिट ले लिया है उन कैंडिडेटों को आगे दूसरे में नहीं लिया जाएगा। बस देखिए CBT1 में है कि CBT1 को शॉर्टलिस्टेड के लिए किया जाएगा आगे प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे CBT1 का पैटर्न के बाद, एक मिनट आपको देख लीजिएगा उसके, देखो SC ST कैंडिडेट संबंधित जिन्होंने आयु के मानदंडों में छूट लाभ उठाकर CBT2 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए केवल उन्हीं से संबंधित आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा। बिल्कुल एज बेनिफिट लिया है, लेकिन CBT1 का अंकों का गणना पैनल बनाने में नहीं किया जाएगा, एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो DFCCIL में नहीं हुआ
क्योंकि सीबीटी जो कैंडिडेट थे, अगर मान लीजिए जो अभी हमने दिखाया कि जो कैंडिडेट कई सारे में हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के साथ हुआ है, एससी एसटी का हुआ है, सबका हुआ है, मैं यहाँ ओबीसी एक एग्जांपल दिला रहा हूँ, तो यहाँ पे जो 98.75 कैंडिडेट वाला नंबर था, अगर इस इनका एज ज़्यादा नहीं होता तो ये कैंडिडेट यूआर में चले जाते और यूआर का कट ऑफ 98.75 के आसपास या उससे जो मेरिट बनती उस पर होती और ये वाला कट ऑफ नीचे की तरफ डाउन हो जाता। उसी तरह और कई सारे एग्जाम्पल है, मैं एक यहाँ पे तो एग्जाम्पल आपको एक ही दिखाया था कि इसलिए कि आप समझ जाइए थोड़ा, बाकी एग्जाम्पल इसमें कई सारे रिजल्टों को आप निकाल लीजिए। एक मिनट में एक बार डाउनलोड का निकाल लेता हूँ, बहुत सारे रिजल्ट में है इसमें, देखिए अभी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, आपका एचआर में भी होगा, आईटी में भी है, आईटी में भी शायद है, तो आईटी में भी देखिएगा, तो आईटी में दूसरे कम्युनिटी का होगा, तो आईटी में अगर जाएंगे तो देखिए आईटी में जो कटअप है यूआर का 82.25 है और एक सर्विसमैन का 85 है, एज बेनिफिट लिए होंगे, साथ में आपका इसका यहाँ भी ओबीसी का देखिएगा वो 82.75 है, यानी 0.5 नंबर यूआर से ज़्यादा ओबीसी का है। उसी तरह और कई सारे में देखिएगा, मैं एक एग्जांपल नहीं दिला रहा हूँ, कई सारे में तो ईडब्ल्यूएस के साथ भी है और कई सारे में बहुत अलग अलग है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब में कुछ ना कुछ है अलग अलग टाइप पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो सही है, यहाँ तो एकदम बिल्कुल शेड्यूल से है, नीचे की तरफ है 93.25 हाईएस्ट है आपका यूआर का और उसके नीचे है सारे का। तो उसी तरह से अगर सब में देखेंगे फाइनेंस में या कोई में भी होगा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जो फाइनेंस वाला एक बार देखिए, फाइनेंस वाला में देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बेचारे मारे गए, 87.50 लाख के ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ और 78 में अगर वो यूआर ही भर देते तो पहले हो जाता, और 87.50 अगर ईडब्ल्यूएस का है तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि ये कैंडिडेट सौभाग्यशाली ये है, ये तो कैंडिडेट जो लास्ट वाले हैं वो तो हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 78 से 87 के बीच में करीब करीब 9 नंबर के बीच जो कैंडिडेट का नंबर ईडब्ल्यूएस का आए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या यूआर में सिलेक्शन तभी तो होता जब उनका सिलेक्शन सीबीटी 1 में यूआर में हुआ होता तभी तो होगा, अगर वो सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हुए थे तो यहाँ नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। उसी तरह और सारे कई सारे अपवाद मिल जाएंगे कई सारे का, तो ये एक तरीके के हमें लगता है कि ये रिजल्ट बदलनी चाहिए, इसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्टेड तो ठीक है लेकिन अगर कोई मेरिट रखता है तो मेरिट के हिसाब से तो जॉब देनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।